तो आज अपनी बाइक में एक बहुत जरूरी काम करवा रहे हैं अपन। स्वामी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो। बिल्कुल ऐसे ही करना भैया, जो भैया बोल रहे हैं। तो ये रहा भैया इसका बैंड बाइक। ये देखो नई बाइक निकाली। ओ भाई आजा बाहर। हेलो, अब देख 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 देख, चल इधर, चलो इधर चल। तो ये देख रहे हो भाई, ये ऊपर सब जो लगाया है, तो ये सब ना इन कबूतर वगैरह की वजह से लगाना पड़ा है। रात को जब मैं 1-2 बजे सोता हूँ ना, तो इन लोगों का सुबह आने का टाइम बहुत जल्दी का होता है। 4 या 5 बजे आके यहाँ पे ना बहुत तेज तेज आवाज करते थे, इसलिए भी उसको ना पूरा पैक कर दिया। प्लस क्या है, इसके अंदर थोड़ी बहुत तो गंदगी भी करते थे, तो इसी के अंदर थोड़ा बहुत कचरा भी चला गया, जो भी अपन ने हटा दिया है। तो खैर आज का प्लान ये है कि आज अपने को अपनी बाइक को लेके जाना है रामबाग सर्विस स्टेशन, वहाँ पे एक बार उसको सर्विस वगैरह भी करवा लेंगे अगर टाइम मिला तो। अभी चलते हैं क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है ना, हो रहा है 3 और 5 या 6 बजे भी सर्विस सेंटर ना बंद हो जाएगा। अभी चलते हैं फटाफट। वेलकम टू मोटो व्लॉग गाइस। तो इस वाले एंगल से अपन बहुत दिनों बाद शूट कर रहे हैं और धूप भी आ गई है, बताओ। तो इस वाले एंगल पे मेरे को पता है अभी थोड़ा सा ना ठीक नहीं आ रहा होगा फुटेज, क्योंकि इसका जो एक्सटेंडर है ना भाई, वो टूट गया, थोड़ा सा ना रिस्की जोन पे था और उसके साथ अपन रिस्क नहीं ले सकते थे। पता लगा अपना गोप्रो उड़ गया कहीं पे। तो अभी जैसा भी आ रहा होगा, सही आ रहा होगा तो अपन डाल देंगे, वरना स्किप कर देंगे, वरना फिर भी दोबारा दूसरा माउंट बनवाएंगे। तो खैर अभी अपन निकल चुके हैं, टाइम बहुत कम है अपने पास, सिर्फ 2 या 2.5 घंटे बचे हुए हैं सर्विस करवाने के लिए। अगर टाइम मिला तो सर्विस करवा लेंगे। वो तो हीरो 5 अपने पास ऐसे आए, ये वाला जो हीरो 5 है अभी अपना एक दोस्त ले गया था, तब मैंने अनिल भैया से ये वाला थोड़े दिन के लिए लिया था, तो ये मेरे को रिटर्न करना है। हाँ जी, तो रामबाग KTM आ गए हैं और हमारे यहाँ पे केजरीवाल सर भी आ गए हैं। सेम है, सेम सेम। आज उद्घाटन करने गए थे ना आप, तो इसका ब्रिज का क्या हुआ फिर? मैंने मना कर दिया, दिवाली पे करेंगे। तो अभी बाइक का थोड़ा सा काम बचा है, फिर निकलते हैं। अभी राजनीति ऐसी चल रही है, राजनीति गर्म चल रही है। तो आज अपनी बाइक में एक बहुत जरूरी काम करवा रहे हैं अपन, तो ये है इसके थ्रॉटल बॉडी को ना क्लीन करवा रहे हैं। जाकिर भाई ने सजेस्ट किया था कि हाँ यार ये थ्रॉटल बॉडी आज क्लीन करवाई लो, ऑल्दो भी टाइम कम है, सर्विस हो नहीं पाएगी बाइक के, कल सुबह दोबारा आना पड़ेगा। तो यहाँ पे चल रहा है बाइक का काम और दो हुंडई वाले लौंडे मिलने आए हैं वहाँ से। क्या नाम है भाई आपका? और आपका? रोहित सिंह। तो ये वहाँ से देख के वहाँ से मिलने आए। हुंडई में, हुंडई में क्या बवाल चल रहा है? कोई डिस्काउंट डिस्काउंट चल रहा है? नहीं चल रहा दिवाली का? हाँ जी, अच्छा लगा मेरे को, मिलते रहा करो यार। भाई ट्रैफिक देखो इधर। और यार थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने के बाद ना भाई फर्क तो आ गया बाइक के चलने में यार, उधर से नहीं जा रहा हूँ, ट्रैफिक जैम देख रहे हो शायद पीछे ना, जो ब्रिज का जो इनॉग्रेशन होना था ना वो हो रहा है आज। अरे इधर तो आओ, कितने बजे खुलेगा ये? 10 बजे। चलो चलो, क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया। ट्रैफिक जैम भाई, कहाँ से आ रहे हो यार, इधर से चल जाओ। यही फायदे हैं भाई एडवेंचर बाइक होने के, ऊपर से चले क्या? बताओ, समझ नहीं आ रहा भाई क्या किया जाए। अंजी लाइट चेक, वाजी वाह शानदार। तो अभी आ चुके हैं करण मोटोमार्ट, और करण मोटोमार्ट क्यों आए हैं, जो अपना ये था ना भाई ये पैनियर के माउंटिंग वाला, ये वापस गिर गया, मैंने लगवाया था तो इसको वापस लगवाने आए हैं। अभी लगवाने के साथ साथ ना यहाँ पे एक एडवेंचर के अंदर ना रेड रूस्टर का एग्जॉस्ट लगाया जा रहा है, उसकी भी फिटिंग दिखाएंगे कि भैया उसको लगाने के बाद ना कैसा साउंड आने वाला है, क्योंकि उस वाली बाइक के अंदर जो एग्जॉस्ट लग रहा है ना उसके अंदर जो कैट है ना, ये हटाएंगे तो आवाज़ काफ़ी अच्छी आने वाली है। और ये बच्चे ना ब्लॉग करते करते ना कॉपी कर रहे हैं, कैसे कर रहा था कॉपी? अंकल दिख रहा हूँ मैं, हाँ
स्वामी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो। बिल्कुल ऐसे ही करना है भैया, जो भैया बोल रहे ना, छोटू बोल रहे ना, ऐसे ही करना है बिल्कुल। 1 मिलियन लाइक। अरे यार ये तो मेरे दिल की बात छीन ली इसने। 10 मिलियन करना। चलो यार तो चलो अभी ये भी लगवाते हैं और आपको वो एडवेंचर दिखाते हैं जिसके अंदर रेड रूस्टर का एग्जॉस्ट लगाया जा रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे अभी स्टॉक एग्जॉस्ट हटाया जा रहा है भाई। बहुत दिनों बाद मिले हैं अपन, लास्ट टाइम रामबाग KTM पे मिले थे। क्या हाल है सुगन भाई? अभी रेड रूस्टर लगाए जा रहे हैं और पहला एग्जॉस्ट लग रहा होगा मेरे हिसाब से, मेरे सामने तो पहली बार लग रहा है रेड रूस्टर का। और सबसे बढ़िया बात है कि इसका जो कैट है ना, ये हट जाएगा तो बढ़िया साउंड आने वाला है। तो अभी देखते हैं भैया कैसे माउंटिंग वगैरह होने वाली है इसकी। आठ ढंग से लगाना, पिछली बार भी तुमने ढंग से ही लगाया था। तो ये रहा भैया इसका बैंड पाइप, काफ़ी सही है क्वालिटी। तो लो भैया गरम हो गया क्या? नहीं गरम तो नहीं है। लो भैया तेरा डिब्बी के लिए, अभी लगाएंगे वापस। तो अभी डीपी किलर वापस लगा दिया भाई, बंदे को है ना ज़्यादा आवाज़ पसंद नहीं है, बोले भैया साइलेंट ही रहने दो। लो जाओ टेस्ट राइड लेके आओ। तो अभी जा रहा है लड़का टेस्ट राइड पे, देखो इधर निकाली जा रही है इधर। बधाई हो, पार्टी कहाँ है? पार्टी दो पहले तुम, ये हंसो मत, तुम हमेशा गोली देते हो। नई बाइक निकाली जा रही है इधर, ये देखो भैया आ चुकी है BMW F850 GS। चलो भैया यहाँ पे ये भी लग चुका है, अभी जा रहे हैं कॉफ़ी पीने क्योंकि अमित भैया और वरुण भैया आ रहे हैं, उनके साथ कॉफ़ी पीने का प्लान बन गया तो उन्हीं के पास जा रहे हैं। भैया वेदर ना अचानक से चेंज हो गया है, कहीं ना कहीं पे ना बारिश हुई है और मेरे को ऐसा लग रहा है अगर एक दो दिन के अंदर बारिश आई ना तो सीधा ना विंटर्स आएंगे और मज़ा आएगा। बॉडी जो क्लीन हुई है ना उससे काफ़ी फ़र्क आ गया है बाइक पर। और अपने को रेड रूस्टर लगाने की जरूरत है नहीं, अपने तो एकरा वाला लगा हुआ है, ड्यूक वाला। तो इसको अपन एक काम कर सकते हैं, अगर बाइक रखेंगे ना तो अपन इसको पाइप को चेंज कर देंगे, कैट हटा देंगे तो इसमें भी काफ़ी अच्छा साउंड आएगा। लो भैया टोकन, कॉफ़ी के मज़े लिए जा रहे हैं यहाँ पे राजा बाबू के साथ। हैं राजा बाबू, देखो छुप कैसे रहे, देखो तो सही घर पर पता क्या है, नहीं पता क्या है, दोनों के दोनों देखी जाएगी। अभी तो कॉफ़ी एन्जॉय करते हैं। पीने आए थे, कॉफी की पार्टी दिया हमारे अमित जी ने, इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। आप कौन सी लड़की का लेके आए हो? 15 अगस्त को मिला था ये। हाँ जी, तो कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली है और आज बहुत दिनों बाद रात को मोटो ब्लॉग चल रहा है। तो अभी प्लान बन रहा है जो अभी वो जो नई वाली पुलिया बनी है ना भाई, उसके ऊपर एक बार घूम के आएंगे, आज इनॉग्रेशन हो गया है तो सोचा चलो आपको भी दिखा दी जाए। हाँ जी आ चुके हैं भारत जोड़ो, जो ब्रिज है, पुलिया है, हाईवे जो भी है, बट बहुत ही बढ़िया है, आज लाइट वाइट प्रॉपर मिल रही है अपने को। तो भाई जिसको अजमेर रोड साइड जाना है वो सीधे जाओ और जिसको 22 गोदाम से आगे जाना है वो यहाँ से एग्जिट ले लो, बहुत सही चीज़ है। क्या करते हो ना, लोगों के 15 से 20 मिनट बचेंगे इससे। बहुत ही गजब। देखो तो सही, बिना बोले घर पे। ये ब्लॉग देखने बाद कुटाई पक्की है भैया दोनों की। हाँ जी, तो आ चुके हैं घूम के, अभी पहुँचने वाले ऑलमोस्ट घर पे।
तो अभी ना इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देते। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय, इट्स सेफ। बेइज्जती कर दी। उससे ट्रांसफर करने में दिक्कत आएगी आईफोन को? क्यों आएगी दिक्कत?